सलाम दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ ज़ियाद की कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी मैथ की। एंड Ziyad is 3.5 years old, so you can do these activities with 3, 4, even 5-year-old. So let me share with you guys one by one ये activities क्या हैं, and इन activities को करवाने से पहले watch my video जो मैंने सबसे पहली बनाई थी math पे, कि जब आपने बच्चे को start करवाना है math करवाना, अगर जिसने कभी math नहीं किया हुआ तो उसको आपने किस तरह से शुरू करवाना है, ठीक है। उसमें number recognition बच्चे को आपने करवाना शुरू करनी है, एंड नंबर सेंस यानी कि काउंट करना बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ज़ियाद को मैं इसलिए करवा रही हूँ कि उसकी अब पहचान बहुत अच्छी हो गई है इन 5 नंबर्स की। एंड वी टुक लाइक मोर देन अ मंथ, ठीक है, इन 5 नंबर्स पे। और मैं इसको कैसे करवाती थी, एवरी डे आई हैव टू डू दिस ड्रिल। इवन इन एक्टिविटीज़ को जो मैंने करवाया है, यू नो, तकरीबन इस पूरे महीने में एक 1 मंथ की एक्टिविटीज़ है, ठीक है। उसमें उनसे पहले मैं उसको रोज़ ये नंबर रिकग्निशन करवाती हूँ। उसमें क्या होता है, आपने सिर्फ बच्चे को पॉइंट करके उसको बताना है, दिस इज़ 1 2 3 4 5। एंड आई वाज डूइंग 3 नंबर्स इन 1 वीक। एंड कभी कभी डेढ़ हफ्ता भी मैं सिर्फ 3 नंबर्स पे ले रही थी। जब उसको पहले 3 नंबर्स अच्छे से हो जाते थे, फिर मैं अगले 2 उसमें ऐड करती या 3 ऐड करती है, डिपेंडिंग कि पिछले नंबर्स में से कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा किसी नंबर में वो, ठीक है। तो ये आपने जो ड्रिल है ना, रिकग्निशन वाली ड्रिल, ये आपने रोज़ करनी है, ठीक है। एंड नाउ ज़ियाद को जब भी मैं पॉइंट करती हूँ तो ही इज़ एबल टू टेल मी व्हाट दैट नंबर इज़। एंड इसके अलावा दिन में मैथ आपको पता है इट्स एवरीवेयर, तो मैं उसको रैंडम काउंटिंग करवाती रहती हूँ। एप्पल्स पड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे एप्पल्स सिर्फ 3 रह गए हैं बास्केट में, तो आई कैन आस्क हिम किचन में, जब वो आई, ज़ियाद कैन यू काउंट हाउ मेनी एप्पल्स दीज आर, एंड देन ही विल काउंट 1 2 3 3 एप्पल्स, ठीक है। कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट यानी कि ये तीनों को काउंट करने के बाद 3 बोलना कि दिस इज़ द नंबर 3, यानी कि ये पूरे 3 एप्पल्स है, इसको कार्डिनलिटी कहते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ लाइक 1.5 माह लगे हमें करने में, ठीक है। तो डू दिस एवरी डे। कोई भी चीज़ पड़ी हुई है जो 2 या 3 छोटे नंबर्स में है, ask the child to count that. Yes, so once we're done with the recognition and the number sense drill जो हम रोज़ करते हैं, उसके बाद then I gave him, कभी कभार जैसे 3-4 दिन में मैं कोई एक एक्टिविटी उसको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको जब ये दी, तो इसमें उसको जैसे नंबर 2 जो था, जब मैंने उसको ये दिया, उसको सबकी पहचान हो चुकी थी 1 से 6 तक, लेकिन कुछ नंबर वो कन्फ्यूज़ हो रहा था, जैसे कि 2 भूल रहा था कि 2 क्या है। कभी कभार वो 6 उसको याद था, 3 भूल जाता था, ठीक है। तो जब उसको ये कुछ स्टिल भूल रहे थे, स्टिल आई गेव हिम दिस एक्टिविटी, क्योंकि दिस इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प हिम। What I used to do was I would say, yeah, Ziyad, can you cover the number 5? बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सोचता है वो, अच्छा 5 कौन से है, 5 में एंड 2 में बच्चे को कन्फ्यूजन होती है। तो इफ़ ही डज इट रॉन्ग, इट्स ओके, यू कैन टेल हिम दिस इज़ नंबर 5, ठीक है। देन वो बच्चा इसको कवर कर देगा, कैन यू कवर ऑल द नंबर 5 ऑन द मैट, तो देन ही इज़ गोइंग टू कवर। एंड व्हेन ही इज़ कवरिंग दैट, तो उसको 5 जो कि भूल रहा था, ये इस एक्टिविटी के साथ उसको 5 इंशाल्लाह याद हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ फन फॉर हिम टू डू। देन यू आस्क हिम कैन यू कवर ऑल द नंबर 1s, दैट्स वेरी ईजी। बच्चा फ़ोन कर लेगा, कैन यू कवर ऑल द नंबर 6, देन ही इज़ गोइंग टू कवर ऑल द नंबर 6। इस तरह से यू कीप डूइंग इट till all the numbers are covered. And this was from prekinders.com. I told you मैंने prekinders से बहुत सारे prints लिए थे याहिया की दफ़ा, एंड भाई अब ज़ियाद की दफ़ा भी यूज़ हो रहे हैं। So the next one is this one, ये भी याहिया की दफ़ा मैंने लिए थे। This is from JDA का जो शॉप है टीचर्स पे, उससे मैंने ये PDF फाइल ख़रीदी थी, प्रिंट की, लैमिनेट की। एंड इसमें गाइस कैन सी इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी, स्मॉल मीडियम लार्ज का आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, जो स्टार्टिंग मैथ वीडियो है, उसमें स्मॉल मीडियम लार्ज के कार्ड्स हमने अरेंज किए थे। सो वंस ही अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट, देन ही वाज एबल टू ऑब्वियसली डू दिस। ये इसको, दिस इज़ द फिश लार्ज एंड इट विल फिट इन द लार्ज एक्वेरियम। इसी तरह से दिस इज़ द फिश small fish, it's going to fit in the small aquarium, and this is a medium fish, it's going to fit right here. So simple activity. The next one is 1-to-1 correspondence. You guys know मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, हमने काफ़ी सारे 1-to-1 correspondence किए थे। So ये मैंने एक्चुअली खुद बनाया था, फ्लावर गूगल किया, क्लिप आर्ट करके सर्च किया, इस तरह से अरेंज किया। एंड देन सनफ्लावर सीड्स विच आर सो कॉमनली फाउंड, यू नो, हर जगह शॉप में ये मुझे नज़र आए, एंड आई थॉट चलो ज़ियाद को ना अब ये वाली देती हूँ। तो इसमें से 1-to-1 correspondence है, एक सीड एक फ्लावर पे अरेंज करने, ठीक है, लाइक दैट। So it was also very fun for Ziyad to do it. Okay, next is this one. इसमें भी जो बच्चे की रिकग्निशन थोड़ी अच्छी होगी है कि उसको पहचान है कि दिस इज़ टू, सो व्हाट ही इज़ गोइंग टू से इज़, ये देखिए कार्डबोर्ड पे सिंपल से मैंने कितना आसान है, कुछ भी नहीं किया इसमें, मैंने कोई इतनी एफर्ट भी नहीं की, मार्कर से क्विकली से लिख लिया, नीचे इनके ऐसे डॉट्स लगा दिए। सो ज़ियाद विल, व्हाट ही विल डू इज़ रीड दिस नंबर, आई टोल्ड हिम व्हाट इज़ दिस टू, कैन यू फाइंड टू हियर, विच वन्स आर टू, then he would say this one, then I would give him this clothpin or pegs bhi inko kehte hain, he's going to take that and then he's going to clip it on all the twos, isi tarah se five read karega, then he's going to clip it on all the fives, let me show you, it's going to look like that, theek hai, ye hogi activity। And the next one is a very simple one, matching activity hai, this will also be useful jo numbers zyad ko bhool lete hai, as you can see ki 5 and 2 mein confusion ho rahi thi, so I wrote 2 5s 1 2, is aise aap bhi jab bacche ko pehchan karwa rahe ho jis number mein usko confusion ho rahi hai, write that often is pe cardboard pe, theek hai, simple cardboard activities। abhi dekhiye maine cardboards bahut sara jo hai na apne phenkna chhod diye, main unko rakh deti hu, achanak mujhe koi idea aata hai and I just do it, kahin maine nahi dekha, khud se khayal aaya yaar recognition mein 5 में उसको मुश्किल हो रही है, लेट्स टू मेक एन एक्टिविटी आउट ऑफ इट एंड देन व्हेन ही विल बी मैचिंग इट 5, देन उसको 5 और पक्का होते जाएगा। अब यार अब ज़ियाद को माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना 5 आ गया। दिस इज वेरी सिंपल एक्टिविटी, यू जस्ट नीड टू मैच लाइक दैट, ठीक है, डन। सो द लास्ट एक्टिविटी इज़ अ बिट चैलेंजिंग वन, इसमें मेक श्योर ये आपने सिर्फ तब करवानी है जब बच्चे को जैसे 5 मैंने नंबर्स रखे हैं तो इन 5 की बहुत अच्छे से पहचान होगी है, देयर इज़ नो मोर कन्फ्यूजन, सो यू जस्ट ले दीज नंबर्स ऐसे साथ एंड देन नीचे आपने डिफरेंट क्वांटिटीज़ में चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि ये वाली 5 मैंने रखी है, तो ज़्यादा व्हाट ही वुड डू इज़ ही इज़ गोइंग टू काउंट 1 2 3 4 5, कैन यू फाइंड द नंबर 5, ओके देयर इट इज़, ही इज़ गोइंग टू पिक इट अप and he's going to put it under it, he says can you count how many blocks, 1 2 3, can you find the number 3, there it is, he's going to arrange it here। Similarly, how many pom-poms do we have, only 1, okay, take the number 1 and put it under it, you see there's a 2 tapes, put the 2 under it, and how many cylinder knobs, count them and take the number and put it under it। It's very easy to make this activity but this is a complex concept, ठीक है, कि अब वो recognition यानी कि जो number की जो picture है उसको he is linking it to the number quantity, so make sure to do this activity again once, counting की आपने बहुत सारी practice करवा ली है, recognition अच्छे से होगी है जो numbers की, then you do this activity। Anyways, I'm going to show you guys now थोड़ा सा how Ziyad did this and then we're gonna end this video, so enjoy this video, I'll see you guys in the next video, fi aman Allah। Okay, so we're gonna do this folder, JDA का folder मैंने ख़रीदा हुआ है, math pre के learning folder PDF फाइल आती है, फिर मैंने उसको प्रिंट किया, उसको ये देखें लैमिनेट किया हुआ है, लैमिनेट करके फिर मैंने ये फोल्डर ख़रीदा और उसमें डाल दिया, एंड ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ कटआउट्स भी इसमें करने पड़ते हैं, मेहनत लगती है बट इट्स वर्थ इट। ओके ज़ियाद, कैन यू मैच द शेप्स, व्हाटएवर यू वांट टू स्टार्ट विद, व्हाट इज दैट स्क्वायर, ओके कैन यू match square, find the square, another column, good, okay, circle, okay sure, you want to circle, yes, great, and this, that's diamond, oops yeah that does look like a diamond, and this, yeah that's pentagon, and this, what's that? Square and what is it? Yeah. It's triangle. Triangle. Great. This is the next one. I just popped to here. Yeah, that's okay. You will get better soon when you keep doing these. Then you will get better. Now you need to count how many cows. 1. Okay, which one is 1? Is this one or is this one? Sure. Can you circle it? Now that he is good at counting and pehchan, पहले 5 नंबर की इसको हो चुकी है तो उसके बाद मैं ये करवा रही हूँ। आई नो नाउ ही इज़ रेडी, ये आप एकदम से नहीं शुरू करवा सकते। हाउ मैनी बॉल्स, हाउ मैनी बॉल्स आर दीज, कैन यू काउंट देम, 2 बॉल्स, इज दिस 2 और इज दिस 2, ओके कैन यू सर्कल इट, ग्रेट, काउंट व्हाट आर दीज, सन्स, कैन यू काउंट द सन्स, हाउ मैनी आर दे, 1 2, ओके कैन यू सर्कल 2, दिस वन और दिस वन, या ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ता है क्योंकि बच्चा कोई कहीं भी 2 देखेगा उसको सर्कल कर देगा, सो आस्क हिम ये वाला है कि ये वाला है, इस रूम में हमने रहना है। व्हाट आर दोस डॉग्स, ओके हाउ मेनी डॉग्स, हाउ मेनी डॉग्स आर देयर, 1 2, ओके इज दिस 2 और इज दिस 2, कैन यू सर्कल इट, Great. Oh, can you circle the smallest object? Which one is the smallest? Is this the smallest or is this the smallest in the grapes? Let's do the grapes first. Which one is... Okay, can you circle it? Okay. Can you circle the smallest bread? Yeah. Smallest ice creams. Ice lolly and ice cream. Great. And this? That's a cupcake. Which one is the smallest? It's funny cupcake. It's a funny cupcake? It's a man cupcake. A man cupcake, okay. Yes. Is it alive? Great. Okay, the next one is really cool. Can you circle all the people? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ना देखो कैसे बच्चों को पता है मुझे you wouldn't know कि बच्चों को ये चीज डिफरेंस पता होगा या What? Yeah. You yucky. You don't like frogs? Yeah, no. Frogs can jump. I don't like them. Oh, are you done? Great. Now here you have to match. I have cut out iske nikale hue numbers ke 1 se 7 tak and he's going to place them on top of them, okay? How many blocks are these? Count these. 1, 2, 3. Okay, can you find the number 3 on these ones? Where is number 3? Okay, can you put it beside here? Good. 3 blocks. 3. Now here, come close here. How many pom-poms? 4. How many pom-poms can you see? 1. Just 1, yeah. Can you find the number 1 and put it beside it? Good. 1. Only 1 pom-pom. How many tapes? Can you count how many tapes? 30. Tapes. Can you count them? How many are they? 1, 2. Okay, only 2. Can you find the card 2 and put it beside it? Good. Here, beside it. Okay, now count these cylinder knobs. Can you count these cylinder knobs? 1, 2, 3, 4. 4. Find the number 4. Good work. I like that. Shabash. Good matching. I like that.